वी आर बैक सो गाइस, आज हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी अल्टीमेट और लेजेंडरी गेम्स की कॉपी गेम्स के बारे में, लाइक जो हमारी GTA 5, माइनक्राफ्ट, कार फॉर सेल, फोर्जा होराइजन, इसी तरह की बहुत ज़्यादा अल्टीमेट जो हमारी गेम्स हैं उनकी कॉपी गेम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले। तो आज की वीडियो को ज़रा भी मिस मत कर देना एंड फटाफट से कर दो तुम लोग जाकर इस वीडियो को लाइक। सो नंबर वन पे अपनी GTA 5 गाइस, इस गेम के बारे में कौन ही नहीं जानता, द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड GTA 5 ही अपनी। एंड गाइस इस गेम की कॉपी गेम के लिए हर कोई रोता है गाइस, सीरियसली। हालांकि ये क्राउड गेमिंग के जरिए भी खेली जा सकती है, बट लोगों को इसका प्रोसेस नहीं पता होता कि किस तरह से इसकी क्लाउड गेमिंग की जा सकती है। तो हम लोग आप लोग को इसकी कॉपी गेम बताता है, द वन एंड ओनली इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। बट गाइस फिर भी अगर मैं आपको इस गेम के बारे में फॉर योर नॉलेज बताऊं, तो गाइस इस गेम के बारे में तुम लोग यहां पर देख ही पा रहे होगे स्क्रीन में किस तरह से चीट कोड डायल करते हैं और हम लोग जो है न्यू व्हीकल्स निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है इसके अंदर प्लग इन की भी ऐप होती है, लेकिन वो बहुत अभी बताना है। अभी हमें और भी मतलब चीज़ गेम्स के बारे में बताना है, वीडियो इतनी लंबी नहीं करते, तो ये वाली वीडियो देख लेना तो फिर आपको पता चल जाएगा उसमें। सो हाँ, जो है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D अपनी GTA 5 की बेस्ट कॉपी गेम है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करो जिन्होंने अभी तक इस गेम को नहीं ट्राई किया। सो जल्द अपने नेक्स्ट गेम की तरफ है माइनक्राफ्ट, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर ही आ रहा होगा। तो गाइस माइनक्राफ्ट के बारे में तो मुझे आपके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी सर्वाइवल गेम है माइनक्राफ्ट के अंदर, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये ब्लॉक ब्लॉक बने हुए हैं, डब्बे डब्बे, इस तरह की ये गेम होती है। सो माइनक्राफ्ट की जो कॉपी गेम है भाई, माइनक्राफ्ट जब आई थी ना तो इसकी इसका गेम को खेलने तब जब उसकी कॉपी गेम इस गेम को खेलने के लिए लोग इतने पागल हुए पड़े हुए थे ना, लेकिन अब जो है इसकी इतनी कॉपी गेम्स आ गई, मतलब ये जो है जो मोस्ट कॉपी गेम्स जिस गेम की है ना वो अभी तक माइनक्राफ्ट ही है, सबसे ज़्यादा कॉपी माइनक्राफ्ट की है हमारी। तो इसकी कॉपी गेम जो है हमारे पास, वो हम लोग भी उसके गेम प्ले अक्सर करते रहते हैं, अब थोड़ा बहुत छोड़ दिया लेकिन पहले हम लोग अक्सर करते रहते थे, जो कि है अपना क्राफ्ट्समैन किंग क्राफ्ट, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो डिट्टो। एंड हाँ यार, स्क्रीन को छोड़ो, अभी यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे हो इसके अंदर हम लोग अपना कैरेक्टर तक डिज़ाइन कर सकते हैं, सीरियसली गाइस कैरेक्टर भी, ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी गेम है माइनक्राफ्ट की। इसके अंदर आप लोग कैरेक्टर से लेकर सब कुछ डिज़ाइन कर सकते हो और ग्राफिक्स तो आप लोग को इस गेम के आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त ग्राफिक है, आप लोग देख सकते हो, पता नहीं चल रहा है, ऐसे लग रहा है माइनक्राफ्ट ही आप लोग मींस जो है आई नो के माइनक्राफ्ट को रियल में मोबाइल में बिना झंझट के खेला जा सकता है, लेकिन जो बेगिनियर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा झंझट हो जाता है, फिर वो कोई ये ऐप डाउनलोड करो, मींस क्लाउड गेमिंग के अलावा भी जो है कुछ ऐप्स होती हैं जिनमें माइनक्राफ्ट आपको ईजिली देखने को मिल जाएगी, बट ये ऐसी कॉपी गेम। एंड हाँ, इसमें ना एक से एक अपडेट भी है आपका, मींस सारे के सारे अपडेट इसमें, इस गेम में सर्वर भी बने हुए हैं और अपडेट पे तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई रखी है, तो तुम लोग हमारे चैनल में जाओगे, बल्कि चैनल में कह रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर सामने देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये इस तरह की हमारी जो है वीडियो हमारी माइनक्राफ्ट की जो है अपडेट्स पर, इस बिल्कुल फुली अपडेटेड गेम है, तो आप लोग इसको ज़रूर से प्ले करो, इतने झंझट वंझट में मत पड़ो। सो नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं, अपनी स्कैरी टीचर 3D गेम। यस गाइज, ये तो वैसे इतनी मुश्किल नहीं है इसको मोबाइल पे खेलना, क्योंकि ये मोबाइल PC हर एक जो है अपना डिवाइस उस पर अवेलेबल है, तो आप इसको ईजिली खेल सकते हो, बट इसकी भी एक कॉपी गेम है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस गेम थी, इसके ऊपर हर कोई वीडियो बनाता था। सो गाइज, ये है हमारी स्कैरी टीचर 3D की कॉपी गेम जिसका नाम है प्रैंकस्टर 3D। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जिस तरह से स्कैरी टीचर में फुल मिशंस होते हैं कि आप लोग को ये सब चीज़ें मींस हिंट बाय हिंट आपको बताते जाते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, उस तरह से हमें स्कैरी टीचर को करना होता है प्रैंक। सही है, इस गेम को भी हमने खेला हुआ है, तो सारी गेम्स खेली हुई हैं, हमें आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली हमारे चैनल में जाओ, आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। एंड हाँ गाइस, ये वाली जो अपनी स्कैरी टीचर की कॉपी गेम है, इसमें दबा के स्कैरी टीचर को है तंग किया जाता है।
सो गाइस, जो अपनी नेक्स्ट गेम है जिसकी कॉपी गेम हम लोग आपको बताने वाले हैं वो है कार फॉर सेल। भाई लिटरली जब ये गेम आई थी ना, इस गेम की इतनी डिमांड थी, बट ये पीसी गेम थी तो ज़्यादातर लोग इसको नहीं खेल पाते थे, क्लाउड गेमिंग के ज़रिए खेल पाते थे। और मैंने आपको बताया भाई, क्लाउड गेमिंग जो है हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो हम आपको बताते हैं फटाफट से क्लाउड गेमिंग जो है वो कौन सी गेम है। वो क्लाउड गेमिंग कार फॉर सेल जो है कौन सी गेम है एंड जो है उसकी कौन सी कॉपी गेम है। सो गाइस, अपनी कार फॉर सेल की जो कॉपी गेम है आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे ये कौन सी कॉपी गेम है। यस गाइस, ये डिट्टो कॉपी है, बस थोड़े से ग्राफिक्स मतलब 19-20 का फ़र्क है ग्राफिक्स में। सो भाई साहब, इसका जो नाम है वो है कार इज़ फॉर सेलिंग। ऑलमोस्ट नाम भी इनका सेम ही है, कार इज़ फॉर सेलिंग। सो गाइस, आप भी जाओ इस गेम को डाउनलोड करो और खेलो, बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है। एंड गाइस, जो अपनी अगली गेम है ना, मीन्स जिसकी कॉपी गेम हम आपको बताने वाले हैं भाई, वो इतनी कोई ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग गेम है, एक्चुअली रेसिंग गेम है, जिसका नाम है फोर्ज़ा होराइज़न 5। गाइस, इसके ग्राफिक्स और भाई ये गेम अल्टीमेट। बट वैसे तो गाइस, इस गेम को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं या कहें तो मतलब पसंद नहीं करते खेलना, बट गाइस ये जो गेम है ये बहुत ही अल्टीमेट है और पीसी गेम है बेसिकली, तो और भी ज़्यादा मींस इसकी डिमांड है। मतलब तुम लोग मेरी बात को समझ रही होगे मैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा इसकी जो कॉपी गेम है वो हम लोगों ने अपने चैनल पर अपनी कुछ अपनी स्टार्टिंग की गेम्स में भी खेली थी और अभी भी थोड़े दिनों पहले अभी हम लोगों ने उसका गेम प्ले किया है। तो वो गेम है अपनी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस गेम का आप सबको नाम बताने की भी ज़रूरत है। तो क्रेजी कार ऑफलाइन रेसिंग गेम्स गाइस, डिट्टो कॉपी गेम है फोर्ज़ा होराइज़न 5 की। फोर्ज़ा होराइज़न में भी अभी जो आपको इससे पहले क्लिप दिखाई गई उसमें भी कॉनिसैक थी और अभी भी मेरे हाथ में जो है कॉनिसैक ही लगी पड़ी है, बस कलर डिफरेंस है और थोड़ा सा मॉडल डिफरेंस है। सो हाँ, क्रेजी कार ऑफलाइन भी भाई बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट गेम है। इसके अंदर आपको रेसिंग करने को मिलती है, अलग अलग कार देखने को मिलती है लाइक टार्ज़न, लैम्बो, ये सब चीज़ें। एंड वैसे तो अगर आप लोग मीन्स ज़रा से नूब हो तो ज़रा से मीन्स फुली नूब नहीं हो तो फिर आप इस गेम को हर लेवल में जीत सकते हो। इस गेम ये गेम बनी भाई हर किसी को जीतने के लिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस, जो अपनी नेक्स्ट गेम है आप लोग सामने देख ही पा रहे होगे, अपनी सुपर मार्केट सिमुलेटर। गाइस ये गेम जो है अभी न्यूली लॉन्च्ड गेम है, थोड़े टाइम पहले ही आई है एंड अभी तो इसकी डिमांड नहीं है, बट मेरे ख्याल से इस गेम की डिमांड होनी चाहिए बिकॉज ये गेम के ग्राफिक्स भी बहुत ही ज़्यादा सही है। सो इसकी कॉपी गेम भी हम लोगों ने खेल ही रखी है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होगे, अपनी सुपर मार्केट, भाई नाम भी सेम, सुपर मार्केट सिमुलेटर 3D। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पर अपनी ये, एंड गाइस इस गेम के ना ग्राफिक्स तो सेम वैसे ही, थोड़ा बहुत चेंज है जैसे कि दीवार वगैरह अपनी ब्लू है एंड प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत चेंज है, बाकी ग्राफिक्स तो मेरे को बहुत ही सही लगे। एक एंड्रॉयड मोबाइल की गेम होने के हिसाब से इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट और बढ़िया है, आप लोग भी जाकर खेलो। एंड इसी के साथ साथ चलो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को आज की हमारी ये छो के छो कॉपी गेम्स पसंद आई हो तो आप लोग फटाफट से जाकर कर दो वीडियो को लाइक एंड इसी तरह की अमेजिंग अमेजिंग वीडियो के लिए। एंड हाँ, हम लोगों ने सोचा, तुम लोग यही सोचोगे नो कि हम लोग ने ये क्या गेमिंग से हट कर तुम्हें ये सब चीज़ें बता रहे दिखा रहे। सो जो है ये हम लोग आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली एक गेमर हैं और हमें ये चीज़ आपको बतानी है कि कौन सी गेम है और कौन सी कॉपी गेम है, ये हमारा ही फ़र्ज़ है। सो हाँ, एंड इसी तरह का अलग अलग कंटेंट भी आएगा। एंड हाँ, एक बहुत ही मस्त सरप्राइज़ आने वाला है कुछ टाइम बाद, आई थिंक 3-4 वीक्स मैक्सिमम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कह लो, मैक्सिमम या मिनिमम जितने भी कह लो, लेकिन थोड़ा टाइम बाद बहुत मस्त सरप्राइज़ आने वाला है। एंड मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बट हाँ यार, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो इतनी कमाल की इन्फॉर्मेशन के लिए एंड लाइक कर दो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।